देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। विधायक ने सुनाई एसडीओपी को खरी खोटी। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कल धरना प्रदर्शन के दौरान एसडीओपी अनुराग पांडे को सुनाई खरी खोटी बातें, बात करने से किए इनकार। आखिर क्या बात है एसडीओपी और विधायक के बीच, जिस वजह से विधायक हुए एसडीओपी से नाराज? वाकया उस समय का है जब राधोगढ़ एसडीओपी अनुराग पांडे धरने के दौरान विधायक जयवर्धन सिंह से वहां मिलने पहुंचे और उनसे बात करना चाही, पर विधायक जयवर्धन सिंह भड़क उठे और उन्होंने एसडीओपी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप यहां से जाइए और अपने दलालों को भेजिए, वहां आए आपके दलाल और उन्हें मेरे पास भेजिए, मैं उनसे ही बात करूंगा, आपसे नहीं। आखिर क्या है मामला, क्यों भड़के विधायक? आपका दलाल कहाँ है? आपका नईम आदमी का बदलाव आपके आसपास का? राजा साहब, आपने साथ दिन का नईम कहाँ है? वो यही है, यही है, यही है। मुझसे बात करे नहीं बोले, हाँ बुलाओ दलाल को, आपके बुलाओ उसको, वो यही है। चलो मुझे नहीं बात करनी आपसे, चलो मारो। जयन फोन कर रहा हूँ, नीचे तो खड़ा है भैया मेरे। गुना बजरंग दल ने आयोजित की प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में बजरंग दल के जिला संयोजक रविंद्र भट्ट ने बताया, बजरंग दल का भर्ती अभियान 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में बजरंग दल द्वारा समस्त गुना जिले के नगर एवं ग्राम में जाकर इसमें समस्त हिंदुओं को एकत्रित किया जाएगा और बजरंग दल से जोड़ा जाएगा। यह अभियान चलाया जाएगा गाँव गाँव, मोहल्ले मोहल्लों में, नगर में, प्रखंड में चलेगा और इसके बाद में साथ ही साथ आज हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक रहे हैं आदरणीय अशोक सिंघल जी, जो राम जन्मभूमि न्यास के अपने अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका आज श्रद्धांजलि है। तो हम एक मिनट का मौन उनके लिए रखकर परम श्रद्धे उनको श्रद्धांजलि देंगे। जिला संयोजक आदरणीय भाई साहब का भी व्यक्ति जिला संयोजक भूपेन्द्र कुशवाहा जी, जिला संरक्षक बजरंग दल गुना जिले द्वारा अपने पूरे जिले में बजरंग दल का भर्ती अभियान 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें अपने पूरे जिला के, नगर के, प्रखंडों के, गांव के और बस्तियों के सभी जो हिंदू युवा भाई हैं उनके यहाँ पर जाके बजरंग दल के कार्यकर्ता और भर्ती अभियान की ₹10 उसका शुल्क है, भर्ती अभियान करेंगे और उनको रसीद देंगे। साथ ही साथ जो अपना स्टिकर दिया जा रहा है बजरंग दल द्वारा, ऐसा ये स्टिकर मिलेगा उनको और साथ में एक पत्रक दिया जाएगा, उसमें मठ मंदिरों के लिए युवा शक्ति को क्या करना चाहिए और आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे इसकी पूरा सूचना दी जाएगी। रविंद्र भट्ट, जिला संयोजक बजरंग दल। समस्त कांग्रेसियों ने दिया धरना और महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। आज गुना नगर में समस्त कांग्रेस के नेताओं ने एकत्रित होकर पैदल मार्च निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने गुना एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेंद्र उल्मा ने बताया कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का जो ग्वालियर के अंदर महिमा मंडन किया जा रहा है उसके विरोध में कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया है। इतनी धूप के बाद भी एक भी कार्यकर्ता बीते एक घंटे में यहाँ से नहीं उठा और उसने जिस प्रकार से अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पक्ष में और विपरीत सम्मानित साथियों का अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार जताता हूँ। साथियों, छत्तीसगढ़ के अंदर एक पत्रकार के पास चीनी निकल जाती है तो संगठन जो बनते हैं समाज के हित में काम करने के लिए बनते हैं, वो किसी दूसरे के समाज को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनते। अपने समाज का आप उन्नति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आरएसएस का गठन हिंदुत्व के लिए हुआ लेकिन उसमें उनकी दुर्भावना छुपी हुई है। आप आज कोई भी संगठन हो, हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी समाज का हो, यदि वो समाज के हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में काम करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उनके मन में दुर्भावना होती है, किसी दूसरे वर्ग को ठेस पहुँचाने का कार्य करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे और देश के पहले आतंकी नाथुराम गोडसे को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके शासन तले
ग्वालियर के अंदर महिमा मंडन करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस जनों ने आम नागरिकों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए उसके विरोध में ये बापू की प्रतिमा के सामने ये धरना आयोजित किया था। हम सब इस बात का विरोध करते हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 3 दिन की चुप्पी के बाद कहीं ना कहीं हम सबको आम जनता के साथ ये सोचने और कहने का मौका मिल गया है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर ही ये सब कार्य किया जा रहा हो। हम एक नागरिक के नाते भी और कांग्रेस जन के नाते भी इस कृत्य की निंदा करते हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह इस पे नहीं जागे तो कांग्रेस जन इसके बाद और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं और लोगों को जागरूक करने के लिए 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को सुरक्षा एवं सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। आज इसी तारतम्य में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय श्रीवास्तव एवं सिटी कोतवाली TI विवेक अस्थाना विशेष रूप से मौजूद रहे। इस विद्यालय में आप सभी की तरफ से सबसे पहले मैं आदरणीय अस्थाना जी से निवेदन करूंगी कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। आजकल जो महिला और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जो हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा एक निर्देश किया गया है माननीय DGP महोदय द्वारा, उसी तारतम्य में आज MLB स्कूल में हम लोग आए हैं। यहाँ DO साहब भी उपस्थित हैं और हमारा कोतवाली पुलिस स्टाफ स्कूल MLB के जो है स्टाफ टीचर्स वगैरह सब उपस्थित होंगे। तो बच्चों को सुरक्षा संबंधी उपाय बताए जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके संबंध में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। यहाँ युवक कांग्रेस ने स्टेशन के पास गरीबों को वितरित किए गर्म कपड़े। बदलते मौसम से बड़ी ठंड में युवक कांग्रेस ने गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए। स्टेशन के पास परिसर में युवा नेता अमित सोनी के नेतृत्व में गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के सदस्यगण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि बीते रोज से चल रही सर्द हवा ने मौसम को बदल दिया है। इस दौरान शहर बादलों की आगोश में भी ढका रहा। इसी के चलते गरीबों की परेशानियों को समझकर कांग्रेस ने गर्म कपड़े वितरित किए। बाद में कर लेंगे भाई, मतलब बाद में का एक कर ही लेना तू। अरे हटो तो, एक साइड तो हो जाओ। अरे एक आदमी पकड़ो यार, तू हमारा तरफ ही जाएगा। चलो दूसरा दे दो, थोड़ा थोड़ा एक वीडियो बना ले। वीडियो नहीं अरे राकेश कहाँ गया? राकेश कर लेना, अरे पहुंच तू था के वो पकड़ लिया था ना। आज हमारे लाडले सांसद श्री ज्योतिया सिंधे की सुपुत्र माँ अरमन सिंधिया जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर समस्त युवा कांग्रेस द्वारा, जैसा कि महाराज सिंधिया द्वारा बताया जाता है कि खुशी में हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, इसी के फलस्वरूप आज युवा कांग्रेस गुना द्वारा स्टेशन रोड पर आकर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना बबलू चौहान। खेलों से हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा खिलाड़ियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए खेलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हमारे गुना जिले की प्रतिभाएं राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर गुना का नाम रोशन कर सकें। आप सभी खिलाड़ी लक्ष्य निर्धारित कर अपने खेलों को अंजाम दें, यह बात जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना बबलू चौहान ने कही। श्रीमती चौहान विकास खंड स्तरीय मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में कबड्डी, कुश्ती, करांटे, वॉलीबॉल एवं फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये आयोजन संजय स्टेडियम में किया गया था।
कोई जीतता है तो दूसरी पार्टी को हारना भी पड़ता है, इसलिए हारने वाले बच्चों को कभी मायूस नहीं होना है, क्योंकि उन्हें हारने के बाद और उन्हें और भी ज्यादा लगन और शक्ति से लड़कर खेलकर और उन्हें आगे बढ़ना है। इसलिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सभी बच्चों को बुलाकर और सभी की उपस्थिति में इसको सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। और चुनाव से आपको प्रेरणा मिलती है। इस सार्वजनिक उद्बोधन के बाद मैं यहाँ पे विकास जी को आमंत्रित करूंगा कि बोलूँ बच्चों को आशीष वचन में विकास। आज विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों की प्रतियोगिता है। इसमें बालापुर बालिका इसमें कबड्डी, कुश्ती, कराटे, वॉलीबॉल, फुटबॉल एवं एथलेटिक्स में भाग लेंगे। और हमारी आज के अध्यक्ष कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अर्चना चौहान जी हैं। नगर पालिका और यातायात पुलिस ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटा। सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटा रही नगर पालिका और यातायात पुलिस शहर की बदतर हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने में लगी है। नगर पालिका और यातायात पुलिस ने आज भी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यह कार्यवाही गायत्री मंदिर चौराहा तहसील के पास हाट रोड और निचला बाजार में की गई, और इस दौरान गुमठी ठेला चालकों के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सामान को भी जब्त किया गया। सड़क किनारे ठेले और गुमटी धारियों ने तो कब्जा जमा रखा है, दुकानदार भी अपना सामान सड़क पर ही रखते हैं। कई जगह तो स्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस वजह से आज नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा एक साथ मिलकर शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई। ये तो भाई फुटपाथ पर इन्हें हटाया जा रहा है, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका से एक साहब, गुप्ताजी पी आई साहब, तहसीलदार साहब मौजूद हैं, उनके सामने कार्रवाई की जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरोन द्वारा किया गया रेल मंत्री का पुतला दहन। विधायक जयवर्धन सिंह ने जो कल रेल रोको अभियान जनहित के लिए किया था, ये उन परिवारों की हक की लड़ाई थी जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल उस जर्जर रास्ते से जाते हैं जहां बड़ी दुर्घटना होने का हमेशा खतरा बना रहता है। उन हजारों लोगों की हक की लड़ाई थी जो अपनी जान जोखिम में डालकर उस खतरनाक रास्ते से गुजर देते। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की थी, ये लड़ाई हमारी थी। कल विधायक पर जो FIR हुई है उसके विरोध में आज दोपहर 12 बजे ब्लॉक कांग्रेस द्वारा गुलाबगंज चौराहा आरोन में रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। इसमें अधिक संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। भाजपा वालों को
एनएसयूआई ने मनाया सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र का जन्म दिवस। आज एनएसयूआई ने स्थानीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान कर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र मनाया जन्मदिन। लेकिन विशेष बात यह रही कि मीडिया के सामने तो उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए एनएसयूआई के बैनर तले एक यूनिट रक्त का दान किया, पर जैसे ही वहां से मीडिया गई उन्होंने तत्काल उस ब्लड को वापस लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीज को दे दिया। सवाल ये खड़ा होता है, एनएसयूआई ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में तो ब्लड उन्होंने दिया, पर वह ब्लड उन्होंने किसी जरूरतमंद को दिया या फिर वह ब्लड बेच दिया गया? वैसे भी किसी ने कहा तो नहीं था कि इस तरह का दिखावा करने को जो एनएसयूआई अध्यक्ष ने किया। खैर बात जो भी रही हो, विवादों में रहना एनएसयूआई अध्यक्ष के लिए कोई खास बात नहीं है। चलो वो कौन है देने वाले? नहीं जी, आ जाओ फरमाइए दे दीजिए। बाहर जो भी सवाल है जी कौन है ज्योति अरे जी जो भी आओ चलो वो कौन है क्या प्रदेश आज यूआई की परंपरा अनुसार आज हमारे युवराज सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आर्यमन सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एनएसयूआई ने रक्तदान किया जो कि हमारी परंपरा है। ब्लड डोनेशन के लिए एनएसयू के छात्र आए थे, उनमें से एक लड़के ने पूरी बात रवि मीना ने डोनेट किया लगाया था मीनाक्षी हॉस्पिटल से, तो हाल साल उन्होंने उनको ट्रांसफर करवा दिया। मतलब कोई एक यूनिट किया था, वो भी ट्रांसफर कर दिया था। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।